नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सभी स्कूलों में 23 मई से होगी गर्मी की छुट्टियां। पंचायत प्रतिनिधि अब खुद कर सकेंगे अपनी सुरक्षा। कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं बारिश से त्रस्त है बिहारवासी। सोनू की सोनू सूद ने सुन ली। जेटली ने उमरान मलिक को दी अहम सलाह। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सभी स्कूलों में 23 मई से होगी गर्मी की छुट्टियां। बिहार के खासकर दक्षिणी भाग में गर्मी काफी ज्यादा है। पूरी तरह से लू की चपेट में ये इलाका है। स्कूली बच्चों के लिए ये बेहद मुश्किल टास्क हो जाता है कि गर्मियों में बाहर निकलकर स्कूल जाएं। हालांकि अब उन्हें राहत मिलेगी क्योंकि उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि 23 मई से 14 जून तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। इससे पहले सभी जिलों के जिलाधिकारी ने स्कूल का समय घटा दिया था। कई निजी स्कूलों ने गर्मी की छुट्टियां कर दी हैं और अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब सभी निजी और सरकारी स्कूल 23 मई से 14 जून तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। पंचायत प्रतिनिधि अब खुद कर सकेंगे अपनी सुरक्षा। इस बार पंचायत चुनाव में काफी खून खराबा देखने को मिला। कई पंचायत प्रतिनिधि की चुनावी रंजिश की वजह से जान चली गई और कितने घायल भी हुए थे। इन सबको देखते हुए गृह विभाग की अनुमति से पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने कहा था कि सभी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शस्त्र दिया जाएगा ताकि ऐसे मामलों में वो अपनी रक्षा कर सके। इसी कड़ी में अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शस्त्र का लाइसेंस देने की कार्रवाई विशेष शिविर लगाकर की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश साझा कर दिए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चलेगा विशेष पखवाड़ा। गर्मी के दिनों में खासकर बच्चों में दस्त की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग भी सजग है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। इसको लेकर विभाग न सिर्फ सजग है बल्कि आने वाले जून या जुलाई में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलाने का निर्णय ले चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में ORS के करीब 2.5 करोड़ पैकेट और 90 लाख के करीब जिंक टैबलेट की आवश्यकता का आकलन शिशु स्वास्थ्य कोषांग द्वारा किया गया है। पखवाड़ा शुरू होने से पूर्व जिलों को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस रूट पर पहली बार जुलाई से चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। बिहार सरकार लोगों के लिए यातायात की हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में जुलाई से रेल यात्रियों को एक विशेष सुविधा मिलने जा रही है, वो है इलेक्ट्रिक ट्रेन की। आपको बता दें कि जुलाई से सहरसा से पूर्णिया होकर कटिहार तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने की संभावना है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने के बाद यात्रियों का सफर अभी के मुकाबले कम समय में पूरा होगा। समस्तीपुर मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने कहा है कि सहरसा से पूर्णिया होते हुए कटिहार तक इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन इसी साल के जुलाई महीने से चलाने की योजना है। कोशिश ये है कि रेल विद्युतीकरण कार्य 30 जून तक पूरा करते हुए जुलाई में CRS निरीक्षण करा लिया जाए। कहीं चिलचिलाती धूप तो कहीं बारिश से त्रस्त है बिहारवासी। बिहार में दक्षिणी भाग के लोग तो 44 डिग्री तापमान से त्रस्त है, लेकिन उत्तर बिहार के लोग राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में कई जिलों में कुछ जगहों पर आज बारिश देखने को मिली, तो वहीं दक्षिणी भाग के कई जिलों में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया। गुजरे दिन के साथ राजधानी पटना समेत 9 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। अगर आज की बात करें तो कई जिलों में गर्मी से परेशानी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज इसमें शामिल है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। बीते बुधवार को बांका, जमुई और भागलपुर जिले में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए लंबित है करीब 15 लाख आवेदन। बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए लाखों छात्रों का आवेदन लंबित है। इनमें कुल 14,58,544 आवेदन शामिल है। इन सबके मुताबिक लंबित आवेदनों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को सख्त निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि इसका शीघ्र निष्पादन किया जाए। भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान की अंतिम तारीख 31 मई 2022 है। अगर इस दिन भुगतान नहीं होता है तो भारत सरकार द्वारा राशि निर्गत नहीं की जाएगी। उप विकास आयुक्त को निर्देश है कि जिला छात्रवृत्ति समिति की बैठक 23 मई को बुलाए ताकि 26 और 27 मई तक भुगतान की कार्रवाई पूरी करते हुए निर्धारित समय के अंदर भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाए। सोनू की सोनू सूद ने सुन ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले सोनू की मदद करने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। नेता से लेकर अभिनेता तक इसी कड़ी में कोरोना में
सभी लाचार, असहाय और बेसहारा लोगों को सहारा देने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी नालंदा के इस प्रतिभाशाली सोनू की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने बकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि सोनू ने सुन ली, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा पटना यानी कि सोनू की पढ़ाई के लिए सोनू सूद ने बिहटा के आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया है। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी, देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता बनी हुई है। बिहार में भी ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 38 है। वहीं राज्य में कुल 80,413 सैंपल की जांच हुई है, जिसके बाद राज्य में महज 10 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक 7 कोरोना के मामले मिले। वहीं 1 दरभंगा में कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। 2 ऐसे कोरोना संक्रमित हैं जो कि दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल यहां पर लिए गए हैं जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2364 नए मामले सामने आए हैं। ट्रक एसोसिएशन की तरफ से सरकार को 1 महीने में ही लगा दूसरा झटका। राज्य सरकार ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम 50 रुपए दंड प्रावधान नहीं कर सकती। बिहार में ट्रक एसोसिएशन की तरफ से सरकार को 1 महीने में दूसरा झटका लगा है। इससे पहले 14 चक्का वाले ट्रकों के बिहार की सड़कों पर चलाने पर लगी रोक को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे ट्रक मालिकों को बड़ी राहत मिली थी। दरअसल बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें कहा गया है कि गाड़ी को दुरुस्त कराने में समय लगता है। गाड़ी मालिकों के पास समुचित पैसा नहीं रहने पर भी गाड़ी को दुरुस्त करने में समय लगता है। ऐसे में प्रत्येक दिन 50 रुपए का दंड लेना न्यायोचित नहीं है। अगले महीने चिन्हित 25 सीओ किए जाएंगे दंडित। बिहार सरकार में ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां भ्रष्ट और लापरवाह अफसर या कर्मचारी नहीं बैठे हो, लेकिन इसका अंत कभी आता ही है। ऐसे में बिहार के करीब 30 से अधिक सीओ और 50 से अधिक कर्मचारी हैं जिन्हें दंड देने के लिए चिन्हित किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 31 दिसंबर तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 174 अधिकारी और कर्मचारियों को विजिलेंस ने रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इनमें सीओ की संख्या ही 25 है। इनमें अधिकतर के खिलाफ अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने कहा है कि जून के महीने में लापरवाह अफसर, सीओ आदि पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में अनिल हेगड़े ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। ऐसे में राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन था और एकमात्र सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज जदयू के राज्यसभा प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार के मंत्री और एनडीए के कई नेता भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नदारद रहे, क्योंकि बीते दिन उनकी मणिपुर के विधायकों के साथ दिल्ली में मीटिंग थी। आपको बताते चले कि किंग महेंद्र के निधन के कारण राज्यसभा की ये सीट खाली हुई थी। 27 दिसंबर 2021 से ये सीट रिक्त है, जिसके लिए 30 मई को अब मतदान होने हैं। पटना जंक्शन पर बढ़ाई गई यात्रियों की सुविधा। पटना जंक्शन पर यात्रियों को मिल रही सुविधा का विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि पटना जंक्शन पर पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पटना जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की रिजर्व बुकिंग की सुविधा में भी बढ़ोतरी की गई है। विशेष तौर पर इन दोनों ही सुविधाओं में अगले वर्ष मार्च तक विस्तार किया गया है। आपको बताते चले कि इसके लिए दानापुर रेल मंडल की तरफ से तय किए गए रेट का भुगतान करना होगा। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन पर लोगों को 20 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। अगले महीने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष। जदयू का विस्तार और उनकी नींव मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अगले महीने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे। इसको लेकर बीते दिन दिल्ली में मणिपुर के 6 विधायकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक भी हुई, जिसमें मणिपुर में जदयू की पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जून में वो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जाएंगे और पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर जदयू विधायक दल के नेता जयकिशन सिंह के नेतृत्व में सभी विधायक दिल्ली पहुंचे थे। हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की उठ रही मांग। बिहार की राजनीति का जाना माना चेहरा सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है। ये मांग शहाबुद्दीन के समर्थक कर रहे हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि सिवान सहित पूरे सूबे के समर्थकों द्वारा मुस्लिम नेता, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की मांग आजकल जोर शोर से उठाई जा रही है।
समर्थकों का मानना है कि पूर्व सांसद के निधन के बाद राजद हिनाज शहाब को राज्यसभा भेजे। समर्थकों का तर्क है कि आज तक शहाबुद्दीन परिवार ने कभी भी किसी पद का लालच नहीं किया है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद राज्यसभा भेजकर शहाबुद्दीन परिवार के साथ इंसाफ किया जाए और सम्मान दे। ब्रेटली ने उमरान मलिक को दी अहम सलाह। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेटली ने सनराइजर हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को अहम सलाह दी है। ब्रेटली ने कहा है कि उमरान मलिक काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। मुझे पता है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना क्या होता है। ये खिलाड़ी काफी तेज है, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे का आंकड़ा भी हासिल करने के करीब है। उन्होंने कहा कि उमरान को यही सलाह है कि जितना हो सके तेजी से बॉल डालो। मेरे हिसाब से अभी उनके पास और भी स्पीड है। लोग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये लड़का आसानी से इतनी स्पीड से गेंदबाजी कर रहा है। मैं अगर उनसे मिलता तो यही कहता कि जितनी हो सके उतनी तेजी से तेज गेंदबाजी का मजा लो। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, MS अंकुश यादव, रंजीत मिश्रा, निकिता कुमारी, मृत्युंजय कुमार, नुनू कुमार, पवन सिंह, कविता कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर प्रत्येक दिन 50 रुपए हर्जाना लेना क्या उचित है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।